ये नोट कर ले भाई, ये शब्द खेल समिति के हैं। और देखिए खटकड़ की तरफ से जो पहली रेड होगी, विकास नाम का खिलाड़ी है, भैरो खेड़ा गांव का बेटा है, जहां हरियाणा प्रदेश का सबसे बड़ा भैरव नाथ जी का मंदिर है, उस गांव का ये बेटा विकास भैरव खेड़ा। सामने चाहे बंटी बलारा ग्रुप डी का कर्मचारी, चाहे रोकी की बात है, चाहे डैनी की बात है, चाहे उनके छोटे भाई प्रवेश बलारा की बात है। और ये प्रवेश बलारा के साथ फाइट है बिल्कुल। और ये पहला जो डेड पॉइंट मिला है खटकड़ जिला जींद की टीम को, अब दर्शक साथियों एक की छूट में बहु अकबर की तरफ से जींद जोशीले का, इस मैदान पर जिन्होंने एक दमदार मैच खेला था, प्रदीप जोरासी खेल मैदान की तरफ बढ़ता हुआ, ये है प्रदीप जोरासी जिला पानीपत। सामने मित्ता और विक्रम, डबल टच विनोद खत्री का इशारा, पॉइंट मिला बहु अकबरपुर जिला रोहतक की टीम को। अब खेल मैदान की तरफ है बढ़ता हुआ कुलदीप सिंह खटकड़ उर्फ छोटा छोटू, बिल्कुल बहुत अच्छा खिलाड़ी है, उभरता हुआ शाइनिंग स्टार खिलाड़ी। और भाई अजीत राठी आपका भी स्वागत है, अभिनंदन अभिवादन है भाई पानी खिलाड़ियों के लिए, बहुत अच्छा हमारा साथी हरियाणा पुलिस का जवान है, मैं धन्यवाद करता हूँ। अजीत राठी हमारे बीच में पहुंचे हैं कबड्डी जोन 77। फिर खेल मैदान की तरफ बढ़ता हुआ सुरेंद्र कुमार बहु अकबरपुर जिला रोहतक, सुरेंद्र कुमार सामने चाहे विकास की बात है, मित्ता और विक्रम की बात है, बहुत अच्छी टीम खेल मैदान पर है। और यह हथवाड़ा गांव का पवित्र खेल मैदान मैं नमन करता हूं, यहां के मुखिया मेरे भाई अनिल कुमार तोमर को, जिन्होंने अपने गांव में बहुत अच्छी प्रतियोगिता अपने साथियों के सहयोग से जो करवाने का फैसला लिया, पहला जो इतिहास रचा दमतान साहब ने, यानी कि परसों 18 सितंबर को और 20 तारीख को जो दूसरा इतिहास रखने जा रहा भाई अनिल तोमर सरपंच हथवाड़ा और उसकी सारी टीम। अब खेल मैदान की तरफ बढ़ता विकास भैरव खेड़ा, जींद में कई गांव के नाम राग के नाम से हैं, चाहे भैरव राग की बात है, ललित राग की बात है, पिल्लू राग की बात है, ये सारे राग के नाम से गांव बसाए गए हैं जींद राजा के द्वारा। अब खेल मैदान की तरफ बढ़ता हुआ प्रदीप जोरासी गल्याण परिवार का बेटा जोरासी, बहुत अच्छी प्रतियोगिता प्रतिवर्ष गांव जोरासी, चाहे नेशनल स्टाइल कबड्डी की बात है, चाहे सर्कल की बात है, करवाने का काम करता, यह है मित्ता खटकड़। लेकिन प्रदीप जोरासी एक हरियाणा प्रदेश का उच्च कोटि का रेडर है, इसी पावन धरा पर जिन्होंने जो हमारी लीग हुई थी शेरे हरियाणा सर्कल कबड्डी भाई बिल्कुल करवाई गई थी मित्ती मलिक निडानी के द्वारा, इसी पावन धरा पर बड़ी अच्छी इस बेटे ने रेड लगाई थी। अब खेल मैदान की तरफ बढ़ता हुआ है भाई कुलदीप सिंह उर्फ छोटा बंटी बलहारा, और ये है परमजीत बलहारा, बहुत अच्छी एक बैलेंस टीम है, अनुशासित टीम है और कोशिश की, लेकिन कुलदीप कम नहीं है, पॉइंट मिला खटकड़ जिला जींद को। अब खेल मैदान की तरफ बढ़ता हुआ सचिन कुमार बहुत अच्छा खिलाड़ी है, बहु अकबरपुर की टीम की पिछले सेशन में जितनी बड़ाई की जाए कम है, सिल्लू ने बहुत अच्छी दर्शक साथियों से सचिन की बात है परफॉर्मेंस, मास्टर बहु एकेडमी के ये खिलाड़ी हैं, मेरे भाई रविंदर को भी मैं नमन करता हूं, बड़े अच्छे जिन्होंने अर्जुन तैयार करने का काम किया, पॉइंट मिला बहु अकबरपुर की टीम को। अब खेल मैदान की तरफ बढ़ता हुआ विकास भैरव खेड़ा जिला जींद, सामने राइट कॉर्नर जो पीले रंग की निक्कर है, जो एशिया महाद्वीप का रंग है, उनको टच करने की कोशिश की और हमारे ऑफिशियल का इशारा कॉन्फिडेंट है और पॉइंट मिला खटकड़ की टीम को, अनिल धनाना है, बहुत अच्छे हमारे ऑफिशियल हैं। बीच में वीरेंद्र कुमार भिंडर डीपी साहब, आजकल पशुपालन विभाग में हरियाणा प्रदेश के कर्मचारी हैं। दूसरी तरफ है विनोद खत्री जो हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड में कार्यरत हैं, और रेड पर है सुरेंद्र बलारा, और ठाके मारता हुआ हमारा ये मंच, मैं सभी को नमन करता हूं। अनिल सरपंच जी, अनिल सरपंच जी हथवाड़ा बिल्कुल, बहुत बढ़िया, चलो चलो फैंस पानी का प्रबंध कराओ सरपंच साहब प्लीज, दलबीर जी रामबीर जी बच्चे बार बार कह रहे हैं खेल मैदान पर पानी पीने का नहीं है प्लीज। और अब रेड पर है कुलदीप सिंह उर्फ छोटा, बहुत ऐतिहासिक गांव हथवाड़ा दर्शक साथियों, पहलवानों का भी गांव है,
चाहे स्वतंत्रता दिवस को मुस्लिम है हिंदू एकता के दिवस में मनाने की बात हो, गांव में साफ सफाई की बात है, विकास कार्यों की बात है। अनिल सरपंच तोमर साहब का बिल्कुल जींद जिले में जुलाना ब्लॉक में एक विशेष स्थान है। 38 हमारे सरपंच हैं, उनमें से अनिल का एक विशेष स्थान है। और यह है प्रदीप चौरासी, एक शानदार कैच की कोशिश मित्ता के द्वारा, लेकिन प्रदीप कम नहीं, मित्ता कम नहीं है। अंतिम क्षणों में जो पॉइंट मिला है प्रदीप चौरासी यानी कि बहु अकबरपुर जिला रोहतक की टीम को मिला, फिर खेल मैदान की तरफ बढ़ता हुआ विकास सिंगरोहा बिल्कुल खेल मैदान की तरफ बढ़ता हुआ। और ये है रोकी बलारा, बिलासपुर यमुनानगर की धरती का बेस्ट कैचर, जिन्होंने स्प्लेंडर प्लस मोटरसाइकिल जीतने का काम किया था। फिर रेड पर है हरे रंग की निक्कर में जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का झंडे का दर्शक साथियों छल्ले का रंग है उस निक्कर के साथ, बिल्कुल सचिन बलहारा खेल मैदान की तरफ है। सामने चार कैचर खटकड़ जिला जींद, बड़े अच्छे खिलाड़ी दिए हैं, चाहे लीला की बात है, चाहे जुगड़ की बात है, चाहे अनीस के पिताजी कुलदीप सिंह की बात है, अमरजीत की बात है। मैं नमन करता हूं, बहुत अच्छी टीम खटकड़ गांव ने दी है, अमरजीत है मानता हूं मैं। अब पूरब छोटा खेल मैदान की तरफ बढ़ता हुआ बिल्कुल, और यह है डैनी भाई दर्शक साथियों, नीला रंग का जो है हमारा छल्ला, जब भी ओलंपिक होते हैं यूरोप महाद्वीप का रंग है, और काले रंग का जो रंग है अफ्रीका महाद्वीप यानी के कुलदीप सिंह अंक लेने में सफल रहा। फिर सफेद रंग का जो प्रतीक हमारा शांति का प्रतीक है दर्शक साथियों, और है सुरेंद्र कुमार बलारा खेल मैदान की तरफ बढ़ता हुआ। सुरेंद्र बलारा बहुत अच्छा प्रतिभा का धनी है, बहु अकबरपुर ने बड़े अच्छे खिलाड़ी हिंदुस्तान को दिए हैं, विक्रम बहु को कौन नहीं जानता दर्शक साथियों। डबल टच का इशारा आप ले सकते हैं मित्ते, आप बिल्कुल एक यदि आपका रिव्यू है ले सकते हैं। मैं अनुरोध करूंगा माननीय अशोक तोमर जी, रामबीर जी, अनिल सरपंच जी, टीम ने रिव्यू लिया है यहां जो हमारे ऑफिशियल ने डबल टच कहा है, लेकिन उन्होंने यानी कि डबल टच है नहीं, बाद में कहा लगा है कैचर ने कहा है, पहले मैंने ट्राई की थी ये देखना। हाँ वहां जाओ गाड़ी में देखो, एक है बिल्कुल हाँ, ये ओल्ड कर लियो भाई। और फिर रेड पर है सचिन कुमार बहु अकबरपुर जिला रोहतक दर्शक साथियों, रोहतक ने बड़े हिंदुस्तान को खिलाड़ी दिए हैं। अभी जैसे मेरे भाई हैं सुरेश कुमार जी डीपी जाट स्कूल रोहतक ने बताया। और यह है विकास ऑल इंडिया नेशनल चैंपियनशिप, जिसने चंडीगढ़ में हरियाणा को मेडल दिलाने का काम किया, उस बेटे का नाम है विकास खटकड़। चलिए कुलदीप पूर्व छोटा, अगली जो टीमें होंगी अगली टीमें ध्यान दें, फिर रेड प्रदीप चौरासी, छाजूगढ़ी वर्सी निजामपुर माजरा, दोनों टीमें अपने आप को तैयार करके मैदान पर पहुंचे। विक्रम सिंह है भाई, खटकड़ गांव का बेटा विक्रम है, लेकिन प्रदीप चौरासी कम नहीं, हरियाणा प्रदेश का उच्च कोटि का खिलाड़ी है। फिर है विकास भैरव खेड़ा, और ये हथवाड़ा गांव की पावन धरा दर्शक साथियों, जहां अपने साथियों के साथ मिलकर अनिल सरपंच तोमर ने बहुत बड़ी प्रतियोगिता आपके बीच में, हरियाणा प्रदेश की पहली प्रतियोगिता जिसमें बहुत ज्यादा इनाम रखे हैं, ये अपने आप में काबिले तारीफ है। खिलाड़ी को बेस्ट रेडर कैचर के रूप में जो उसकी खुराक होती है शुद्ध देसी घी का टीन भाई और उसकी टीम के द्वारा दिया जाएगा। आप खेल मैदान की तरफ बढ़ता हुआ सुरेंद्र कुमार बहु अकबरपुर जिला रोहतक, बिल्कुल हरियाणा किसी भी क्षेत्र में कम नहीं है, चाहे शिक्षा की बात हो, चाहे सुरक्षा की बात हो, चाहे विज्ञान और चाहे खेल का मैदान हो। मित्ता कोशिश की, मेरे भाई ने कहा दीपक निवास हुड्डा जिसको अभी हाल ही में अर्जुन अवार्ड मिला मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन पर 29 अगस्त को, श्री कृष्ण हुड्डा को अर्जुन सॉरी द्रोणाचार्य अवार्ड मिला है। अरे इसी हल्के की लाडली भाई बहु कह लीजिए, अब तो जुलाना विधानसभा क्षेत्र की तहसील की बहू है विनेश फोगाट भाई, जिसको बहुत बड़ा पुरस्कार होता राजीव गांधी खेल पुरस्कार, वो भी जुलाना ब्लॉक की बहू को मिला भाई। बिल्कुल विनेश फोगाट की शादी इसी ब्लॉक में शायद बक्ताखेड़ा में, और ये मैच समाप्त
अभी अभी हाँ भाई, वो जो पॉइंट था बहु अकबरपुर का पॉइंट था भाई, नहीं हमारे ऊपर एक और कमेटी मित्र, कोई बात नहीं, मैं समाप्त हो गया भाई। बहु अकबरपुर के अंक हैं 10, खटखट के अंक हैं 13.5, यानी कि खटखट की टीम ने इसमें